टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ऐसे में BCCI ने शुक्रवार को बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड में शामिल करने का ऐलान किया है। मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए 2 T20 मुकाबलों में भी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। सिराज रविवार को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के अलावा एशिया कप से भी बाहर हो गए थे। बुमराह चोट से उभरने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से टीम में वापसी की थी। हालांकि वो पहले मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। जसप्रीत बुमराह पीठ में दर्द के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहला T20 मैच नहीं खेल पाए थे और अब बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह की चोट ज्यादा गंभीर है। वो क्रिकेट से करीब 6 हफ्ते तक दूर रह सकते हैं। उनकी जगह मोहम्मद सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए 2 T20 मुकाबले में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। हालांकि अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए बुमराह की जगह कौन लेगा, इसका ऐलान नहीं हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की जगह कौन खिलाड़ी लेंगे, उसका BCCI अभी ऐलान जल्द करेगी।